और ये प्याज कटा हुआ रखा, और प्याज टमाटर मैंने एक साथ काट लिया है, आप चाहे अलग अलग कर सकते हैं। मैंने इतनी मैक्रोनी उबाली है, एक लोगों के लिए ये है। इतनी ही उबालेंगे ताकि ज़्यादा पके ना। मैंने दो प्याज, एक टमाटर और मिर्च ले लिया है। और अगर आप और भी वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं तो शिमला मिर्च ये सब भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये चॉपर था, इसमें बिना लाइट के भी चलता है ये, बिना लाइट और बिना बैटरी के, तो इससे हम लोग इसको चॉप कर लेंगे प्याज और टमाटर को। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो हम लोगों ने इसको चॉप कर लिया है। देखिए कितना महीन हो गया, थोड़ी ही देर में हो जाता है बहुत जल्दी से। और जो मैंने मैक्रोनी उबाली थी इसको मैंने निकाल लिया है। आप इसको निकालने से पहले अच्छे से पानी से धो लीजिए ताकि मैक्रोनी है जो अलग अलग हो जाए। और ये ठंडी भी हो गई है, ज़्यादा बॉयल नहीं करनी है, 5 से 10 मिनट, 5 से 7-8 मिनट तक ही बॉयल करनी है बंद करके। चाहे आप कुकर में भी उबाल सकते हैं और उसमें भगोने में भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा बर्तन हो उसमें बॉयल कर सकते हैं। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई भी बर्तन में उबाल सकते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, उसमें प्याज और मिर्च टमाटर को डाल दिया है। ये थोड़ा सुनहरा हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे। ये भून रहा है, थोड़ा धीमी आंच पे इसको भुनेंगे। देखिए अब थोड़ा रह गया है, बाकी भुन गया हुआ है, ये अब भुन गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी, नमक, और अगर आपके पास मैक्रोनी मसाला तो मैक्रोनी मसाला डालिएगा, नहीं है तो आप सब्जी मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैंने ये नमक डाल दिया है, ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच है डाल दिया है। इसको मिला देंगे अच्छे से। थोड़ा वीडियो हिलता डुलता रहता है क्योंकि एक साथ बनाते हैं, और ये मेरा किचन है जहाँ पे हम लोग हॉस्टल में बनाते हैं। इतने सारे गैस रखे हुए हैं यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर खाना बनाते हैं। अब ये पक चुका था तो मैंने इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया। मेरे पास मैक्रोनी मसाला था नहीं आज, अब कोई सा भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। मैं अपने मसाले सब्जी है जो ये इस बाल्टी पे रखती हूँ, और किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो नीचे लेके चले जाते हैं हम लोग। अब मैक्रोनी में मसाले सब पक गए हुए हैं, अब मैक्रोनी को अच्छे से मिला देंगे। मैक्रोनी को हम लोगों ने अच्छे से मिला दिया है। जब तक सारा मसाला सब मैक्रोनी में मिल जाना चाहिए वरना टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाते भी जाइए और फ्राई भी होता जा रहा है, और इसको फ्राई होने के बाद में बंद कर देंगे इसको। अब हमारी मैक्रोनी है जो फ्राई हो चुकी है, थोड़ा देर इसको थोड़ी कम स्लो पे रख देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही हॉस्टल में बनाने के लिए जो झटपट क्विक रेसिपी होती है उनको देखने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हमने जो मैक्रोनी बनाई थी वो हमने प्लेट में निकाल ली है। ये कलर भी उसका अच्छा आया है। हमने इसको प्लेट में है जो निकाल लिया है,
इतनी सी मैक्रोनी बनाई थी, हम दो लोग रहते हैं एक रूम में, तो दोनों लोग खा लेंगे, नाश्ता हो गया। और आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।